फूड में आपका स्वागत है। आज मनाने जा रही हूँ क्रीम चौप या मलाई चौप स्वीट, जो कि कलकत्ता के काफ़ी फेमस है और हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ भी ये इसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस मिठाई को और काफ़ी मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पर हमने छेना बनाने के लिए 1.5 लीटर गाय का कच्चा दूध ले लिया है। गाय के दूध से हमारा जो छेना बनेगा वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। हो सके तो आप गाय का दूध लें, नहीं तो आप इसको कोई भी फुल क्रीम दूध ले सकते हैं। इसको हम चलाते हुए उबाल लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं उबालेंगे, इसको एक उबाला आने तक हम उबाल लेंगे। देखिए एक उबाला आ चुका है, अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम लगभग 3-4 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। देखिए थोड़ा सा चलाकर ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा देर ठंडा नहीं करना है। तीन चार मिनट हो गए हैं, दूध को हम फाड़ेंगे। तो फाड़ने के लिए हमने विनेगर ले लिया है 3 चम्मच और इसमें 3 चम्मच पानी मिला लिया है। अब इसके जगह पर आप 2 नींबू का रस भी निकाल कर ले सकते हैं, उसमें 3-4 चम्मच पानी मिलाकर नींबू का रस भी ले सकते हैं। और ये सिरका जो लिए हैं उसको 1-1 चम्मच करके डालेंगे, एक बार में ही नहीं डालेंगे और चलाते रहेंगे इस तरह से दूध को, ताकि हमारा दूध जल्दी से फट जाए। धीरे धीरे करके 1-1 चम्मच डालेंगे, दूध को मिलाते रहेंगे, इस तरह से हमारा दूध फट जाएगा। देखिए सारा हमने डाल दिया है और हमारा दूध भी फट गया है। देखिए कुछ इस तरह से हम कुछ सेकंड के लिए चला लेते हैं, ताकि हमारा दूध जो अच्छे से फटकर तैयार हो जाए। देखिए अलग हो गया, पानी इसका बिल्कुल अलग हो गया है और छेना बिल्कुल अलग हो गया है। इस तरह से हम दूध को फाड़ लेंगे और अब इसको हम छान लेंगे। इसलिए हमने एक छन्नी ले लिया है और इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है। इस तरह से हम छान लेंगे। हमने पनीर को छान लिया है, देखिए इस तरह से देखिए जो इसका पानी निकला है उसको हम करी वगैरह ग्रेवी वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो आप उसको आटा गूंदने में भी यूज कर सकते हैं। अभी पनीर को हम साफ पानी से, नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसका जो खट्टापन है सारा निकल जाए। अच्छे से इसको धोना है ताकि इसमें खट्टेपन का आंस नहीं रहे। सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर छन्नी पर इस पनीर को रखकर, कोई भारी बर्तन रखकर इस पर 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इस तरह से हमने सारे पानी को निचोड़ लिया है। और इधर हम पनीर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। देखिए सॉफ्ट पनीर बना हमारा, और अच्छे तरह से इसको हथेलियों से हम मसल कर चिकना कर लेंगे। लगभग 5-6 मिनट इसको अच्छी तरह से मसलेंगे, ताकि हमारा छेना चिकना हो जाए अच्छे से, इसके बॉल्स अच्छे से बने। इस तरह से हमने मसल कर चिकना कर लिया। एक बॉल बना के देख लेंगे, इस तरह से देखिए चिकना बॉल बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम 1 टी स्पून जो है मैदा डालेंगे। इसके जगह पर आप कॉर्नफ्लोर या अरारोट कुछ भी ले सकते हैं।
और मैदे को पनीर में हम अच्छी तरह से मिक्स करके 3-4 मिनट के लिए फिर से मसल कर चिकना करेंगे। इस तरह से देखिए हमने फिर से 3-4 मिनट के लिए मसल मसल कर चिकना कर लिया है। अब हम रसगुल्ले पहले रसगुल्ला बनाएंगे। इसको हम चाशनी में पकाएंगे। इसके लिए हमने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और इसमें अब हम 1 कप चीनी डालेंगे और 5 कप हम इसी कप से पानी डालेंगे। इस तरह से हमने 5 कप पानी डाल दिया है और अब हम इसको चीनी घुलने तक पकाएंगे अच्छी तरह से, जब तक कि चीनी हमारा अच्छी तरह से घुल ना जाए। इधर हमने जो छेना बनाया था उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार करेंगे। अब हम सारे कटे हुए पेड़े को गोल गोल इस तरह से चिकना करके बनाएंगे और थोड़ा सा हम चपटा कर देंगे हथेलियों की सहायता से। इस तरह से दबाकर हम चपटा कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने पेड़े बना लिए हैं। इसी तरह हम सारे पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसको चौकोर शेप भी दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इस तरह से हमने गोल पेड़े का शेप दिया है। सारे पेड़ को हम तैयार कर लेंगे बनाकर इस तरह से। हमने सारे रसगुल्ले के पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और इधर मेरा चाशनी भी उबल गया है और चीनी भी पिघल चुका है अच्छी तरह से। अब उबलते हुए चाशनी में हम 1-1 रसगुल्ले का जो पेड़ा बनाया था वो डालेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम इसमें रसगुल्ले के जो पेड़ा बनाया था वो डालेंगे उस समय हमारी चाशनी पूरी उबलती होनी चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उबलते हुए चाशनी में तेज फ्लेम पर 1-1 पेड़े डालेंगे इसमें, ताकि हमारी चाशनी का जो है टेम्परेचर कम ना हो। इस तरह से हमने सारे रसगुल्ले को डाल दिया है और इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए हमारा 10 मिनट हो गया है, अब इसे हम पलट देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से पलटेंगे क्योंकि जो ये रसगुल्ले बने हैं बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए हल्के हाथों से पलटेंगे ताकि हमारे रसगुल्ले टूटे ना। इसको दोबारा ढककर हम 7 से 8 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए अब हमारा रसगुल्ला पककर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी अच्छे से रसगुल्ले पके हैं। अब यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। अब इसको हम 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए रसगुल्ले। हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं, अब बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। अब इसको हम एक स्ट्रेनर पर, छन्नी पर निकाल लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो दोनों हथेलियों से दबा दबा कर इसका रस निकाल सकते हैं। इसमें रस नहीं रहना चाहिए, रस निकाल देंगे क्योंकि इसमें हम फिलिंग भरेंगे। इस तरह से हमने सारे छेने रसगुल्ले को निकाल लिया है और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी स्ट्रेनर पर छोड़ देंगे ताकि इसके सारे रस निकल जाएं। 1/2 कप हमने मावा ले लिया है फिलिंग के लिए। इसमें चीनी मिला हुआ है
आप यहाँ पर जो मावा लेंगे उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पीसी हुई 2 से 3 चम्मच चीनी डालकर मावे में अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमने येलो जूसी कलर का ले लिया, लिक्विड फूड कलर ले लिया है, इसको हम 5-6 ड्रॉप डालेंगे। इसके जगह पर आप केसर वाला दूध ले सकते हैं, 2 चम्मच गरम दूध में केसर भिगोकर ले सकते हैं, उससे भी अच्छा कलर आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। हमने यहाँ पे फूड कलर डाला है, इस तरह से हमने फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम रसगुल्ले में फिलिंग भरेंगे, इसके लिए हम एक चाकू से बीच में कट कर लेंगे, इस तरह से देखिए काटना है धीरे धीरे, बहुत सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं। इस तरह देखिए इसमें कितने जाली, बड़े बड़े जाली दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ला बना है। अब इसमें हमने जो मावा का फिलिंग बनाया था उसे डाल लेंगे, अच्छी तरह से फैलाते हुए इसमें फिलिंग को भर लेंगे। मावे को हर तरफ से अच्छी तरह से फिलिंग भरेंगे इस तरह से। फिलिंग भरने के बाद थोड़े से दबा लेंगे, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारा क्रीम चॉप या मलाई चॉप मिठाई बनकर तैयार है, देखिए आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। इसी तरह हम दूसरे रसगुल्ले को भी काटकर इसमें मावे वाला फिलिंग भर लेंगे, इस तरह से देखिए। इसी तरह हमने दूसरे भी रसगुल्ले में भर लिया है, इसी तरह हम सारे रसगुल्ले में मावे की फिलिंग भर करके क्रीम चॉप मिठाई तैयार कर लेंगे बनाकर। अब इसे हम थोड़े से पिस्ते के कतरन से गार्निश करेंगे ताकि हमारा क्रीम चॉप मिठाई अच्छा दिखे। और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार घर पर बनाएंगे क्रीम चॉप मिठाई तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, इसलिए आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।